आईपीएल 2024 सब खत्म होने वाला है और उसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज और अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां 2 जून से T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। खबर है कि भारतीय टीम दो ग्रुप में बंटकर आईसीसी के मेगा इवेंट के लिए जाएगी। पहले ग्रुप में प्लेऑफ से बाहर हो चुकी टीमों से खेलने वाले खिलाड़ी होंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंचने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा सवाल यह होगा कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से एक खेलेगा कौन। इस बड़े सवाल पर गौतम गंभीर ने अपना पक्ष रखा है। गौतम गंभीर संजू सैमसन की जगह ऋषभ पंत को खिलाए जाने के पक्ष में है। उन्होंने हालांकि दोनों खिलाड़ियों को बेहतर बताया, लेकिन फिर कहा कि टीम इंडिया के लिए नजरिए से किसी एक को चुनना हुआ तो वह नाम पंत का होगा। गंभीर ने अपने इस चुनाव के पीछे की वजह भी बताई। गौतम गंभीर ने कहा कि ऋषभ पंत हो या संजू सैमसन, दोनों ही कमाल के खिलाड़ी हैं। जितनी क्षमता संजू में है उतनी ही पंत में भी, लेकिन अगर एक चुनना हो तो पंत बेस्ट रहेंगे क्योंकि वह मिडल ऑर्डर के नेचुरल बल्लेबाज हैं। और गंभीर ने संजू को ना चुनने की वजह बताते हुए कहा कि आईपीएल में अगर आप देखें तो वह लगातार नंबर 3 पर खेलते रहे हैं, वहीं पंत नंबर 5, 6 और 7 पर खेलते हुए दिखे हैं। अब अगर इसे टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन की नजर से देखा जाए तो हमें विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश मिडिल ऑर्डर में है, ना कि टॉप ऑर्डर में, इसलिए मैं ऋषभ पंत के साथ ही जाऊंगा। इसके अलावा एक और बात जो पंत के फेवर में जाती दिखती है वह है उनका बाएं हाथ का होना। आईपीएल 2024 में देखे तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन ने लगभग एक ही अंदाज में रन बनाए हैं। संजू सैमसन इस सीजन अब तक खेले 12 मैचों में 486 रन बनाए हैं, वहीं ऋषभ पंत के 13 मैचों के बाद 446 रन है। इस दौरान स्ट्राइक रेट भी दोनों का 155 के पार रहा है। तो आपकी इसमें क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स फैन।